हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्रेया और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने डिफरेंशिएशन पर मैंने एक वीडियो बनाई थी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ फटाफट से पहले वो वीडियो देखें, बिकॉज इस वीडियो को देखने का तभी फ़ायदा है। अगर वो वीडियो देखी होगी उसमें मैंने डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझाए थे। आज मैं जो क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर आपके सामने हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, मतलब जिसको कह सकते हैं कि आपके डिफरेंशिएशन को समझने का एक नेक्स्ट स्टेप है, बस और कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पर लिखा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, तो मतलब आपको सीखना है कि अब आपको लिखना कैसे है। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट 2002 को डिफरेंशिएट करना है, तो आप लिखोगे बी 2002। अब विद रिस्पेक्ट टू यहाँ एक्स मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर जिसके विद रिस्पेक्ट टू कहेंगे उसी के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे ना। अगर यहाँ टाइम लिख देंगे तो यहाँ डी टी आ जाएगा, लेकिन अगर एक्स है तो डी एक्स आ जाएगा। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया था, जिन्होंने वो वीडियो देखी तो सबको पता होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज अ जीरो, तो डी ऑफ 2002 क्या आएगा, जीरो। ओके, इस तरह से अगला देखो है माइनस ऑफ 14, डी ऑफ माइनस 14। अब ध्यान से देखो, चाहे नेगेटिव है 14 है तो कांस्टेंट ना, कुछ भी हो जाए कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो ही रहेगी, चाहे कोई भी कांस्टेंट आ जाए, दिस विल अगेन बी जीरो। अच्छा, उसके बाद आ गया ई रेस्ट पावर माइनस 1, ई रेस्ट पावर माइनस 1 की डिफरेंशिएशन आपके पास अगेन दैट विल बी जीरो, ठीक है। उसके बाद देखो पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, अब पाई स्क्वायर देख के सभी कहेंगे यार ये इसका तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन पाई क्या है, 22/7, पाई इज अगेन अ कांस्टेंट। अगर पाई कांस्टेंट है तो पाई स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, जीरो, दैट विल बी जीरो। उसके बाद है एक्स टू द पावर 6। अब यहाँ से मेन क्वेश्चन शुरू होते हैं, डिफरेंशिएशन होनी है एक्स टू द पावर 6, पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या कहती है, पावर को उठा के आगे ले आओ, पीछे से क्या कर दो, माइनस 1 कर दो, और डी एक्स बाई डी एक्स आएगा, वो मैं लिखूंगी नहीं, वो आपको पता है कि डी एक्स बाई डी एक्स आ रहा है वो 1 हो जाएगा, तो ये आंसर मेरे पास आ जाएगा 6x5। उसी तरह नेक्स्ट है एक्स रेज टू पावर 3/2, ये देखो यही आएगा, 3/2 में से माइनस 1 कर देते हैं यहाँ पर, तो ये मेरे पास बनेगा 3/2 एक्स रेज टू पावर 2 3-2, यानी कि 3/2 एक्स की पावर 1/2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 3/2 अंडर रूट एक्स, बिकॉज हमें पता है 1/2 इज अंडर रूट, है ना, तो ये आ गया, ठीक है। ईजी है क्वेश्चंस, बस ये है कि आपको फोकस से पावर रूल अच्छे से समझ आ रहा हो तो ही ये आगे हो सकता है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आगे एक और ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है, अब क्या करोगे, डी बाय डी एक्स करना है 3x 5/2 का, तो अब ये तो ऐसे ही रहने दो, बस 5/2 को आगे ले आओ, मल्टीप्लाई करवाने के लिए। पावर में क्या होगा, 5/2 - 1 ले लो एलसीएम, इसकी तो मल्टीप्लिकेशन ही करवा दो ना, 15/2 कटिंग तो होनी नहीं है, तो एक्स 5-2 यानी 15/2 एक्स की पावर 3/2, दिस इज योर आंसर, इजी है ना। ओके, उसके बाद है 1/x³, d/dx करना है मुझे 1/x³ का। अब ये क्या करें, ये तो अब कई सोच रहे हैं यू वी रूल लगा दें, याद रखो यू वी रूल कॉन्स्टेंट्स पर अप्लाई नहीं होता, 1 क्या है, कॉन्स्टेंट है ना, क्यों हम 1/x³ को एक्स की पावर -³ नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, तो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाने क्यों जब आप उसको सिंपल कर सकते हो। आप इसको ऐसे लिख दो d/dx ऑफ एक्स की पावर -3, पावर रूल लग जाएगा, आराम से लगाओ -3 आ गई। अब यहाँ गलती मत कर देना कि -3 या -1 करके कुछ और ही मत कर देना, इसको इसी तरह से सॉल्व करना, दिस इज योर आंसर, ठीक है। पावर जो है पूरी की पूरी एज इट इज आगे आई, अगर पावर माइनस में है तो आगे भी माइनस आएगा, ये नहीं कि सिर्फ 3 उठा के खत्म है, माइनस आएगा। अच्छा, और ये बन जाएगा -3x की पावर 4, इस तरह से लिख दो इसे, ठीक है। अब देखते हैं
आगे है x की पावर माइनस टू, ऑलरेडी हमें माइनस में ही गिवन है, मतलब पहले ही उन्होंने कन्वर्ट ही करके दे दी है b की पावर माइनस टू. ये तुम आप खुद कर लोगे. दिस इज योर आंसर, सिंपल. उसके बाद देखो थोड़ा सा ट्रिकी शुरू हो गया. इसमें है डी बाई डी एक्स की पावर होगी वन बाई एक्स प्लस टू. अब क्या करोगे, कुछ मत करो, इसको भी इन्वर्स में लिख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टू की पावर माइनस वन, इस तरह से लिख लो. मैंने बताया था यहाँ पे पता कौन सा रूल लगेगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ये वाला रूल लगेगा. माइनस आगे लिखो टर्म एज इट इज, ऊपर ये होगा और साथ में डिफ्रेंशिएशन इसकी होगी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टू. तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ वन एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस टू माइनस टू, साथ में मल्टीप्लाई होगा, एक्स की करूँगी तो वन आएगा, टू की करूँगी तो जीरो, तो मल्टीप्लाई वन. तो मैं इसका लिख सकती हूँ माइनस ऑफ वन बाय एक्स प्लस टू की पावर टू. मतलब देखो एक ही क्वेश्चन में दो रूल्स यूज हो गए मेरे, ये वाला यूज हो गया और एक ये वाला कॉन्स्टेंट प्लस वेरिएबल वाला. ठीक है, ईजी है. उसके बाद देखो नेक्स्ट है सिक्स बाय रूट एक्स. रूट वालों में ना कुछ मत किया करो, रूट जब भी आ जाए उसको वन बाय टू लिख दो बस. ठीक है, डी बाई डी एक्स निकालना है सिक्स बाय रूट एक्स का, तो सिक्स बाय रूट को भी मतलब लिख ही सकते हैं, सिक्स की पावर सिक्स इंटू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स रूट एक्स क्या होता है, एक्स की पावर वन बाय टू ऊपर चल के माइनस वन बाई टू हो जाएगा. लाओ पावर को आगे, कटिंग इधर एलसीएम ले लो, आंसर इजी है, बहुत इजी है. बस मुझे यहाँ एलसीएम लेना था और ये सॉल्व कर देना था, पावर आगे आ जाएगी ना उससे ये कटिंग हो जाएगी, तो दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, उसके बाद एक अच्छा एक रूट वाला भी देख ही लेते हैं ना, कंफ्यूजन होती है रूट वालों में बच्चों को, एक्चुअली वो पहले करवाना चाहिए था. ये देखो इस तरह से होता है ना, इसको तुम लिख सकते हो, इस तरह लिख सकते हो, वन बाय टू आगे कर दो, ऊपर क्या होगा माइनस वन हो जाएगा, हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ, तो ये तुम्हारे पास आंसर. ठीक है, इसको क्या करोगे, नीचे ले आओ वन बाय टू एक्स की पावर वन बाय टू, इसको अंडर रूट में लिख लो वापस से, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अंडर रूट में था ना, तो मुझे लगता है आंसर भी अंडर रूट में लिखना चाहिए वन बाई टू की बजाय. ठीक है, तो उसके बाद एक और है इजी वाला देख रहे हैं, ये है कॉन्स्टेंट प्लस वेरिएबल प्लस कॉन्स्टेंट, वो वाला फॉर्मूला ए एक्स प्लस बी. लगाओ जरा, इसकी करोगे तो क्या आएगा, मैंने कहा था अलग अलग कर लिया करो, है ना, तो अभी तो नया नया सीख रहे हो तो अलग अलग कर दो, पर कई जैसे एक ही बार में भी कर सकते हैं. कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स वन प्लस इसकी क्या हो जाएगी कॉन्स्टेंट है तो जीरो, आंसर थ्री. इजी क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं किया मैंने, अलग अलग कर दिए, यू प्लस वी रूल याद है ना, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, यहाँ जो होता है डी एक्स बाई डी एक्स वो वन ही होता है. ठीक है, अच्छा उसके बाद अच्छा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला देखते हैं, ये तो इजी इजी थे ना सारे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं इस तरह से. अब थोड़ा रूल यूज करके देख लेते हैं लगेगा. अच्छा इसको क्या करें, इसका एक काम करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं, ये बनेगा कुछ अंडर रूट एक्स माइनस वन, ये बनेगा, ये बन जाएगा तुम्हारे पास एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स, ये बना. इस पे लगाओ यू बाई वी रूल, यू बाई वी रूल कहता है वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स होल डिवाइड्स वी स्क्वायर. तो सबसे पहले मुझे डिफ्रेंशिएशन अगर x माइनस वन बाई रूट एक्स की करनी है, तो देख रहे हो मैंने डायरेक्ट इसकी डिफ्रेंशिएशन नहीं करी है, क्योंकि यहाँ तो कुछ अप्लाई नहीं हो रहा ना, मुझे पता ही नहीं कैसे करना, तो मैंने उसको ईजी करने के लिए इसमें कन्वर्ट कर दिया. तो दिस इज वट यू हैव टू लर्न, हाउ टू चेंज क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यू. क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तुम मत बदलो अपना मेथड, क्वेश्चंस को बदल लो ना अगर बदल सकते हो, ये नहीं कि कुछ भी करके बदल दिया, वैलिड चीज़ों वैलिड ऑपरेशंस को अप्लाई करके बदल लो. ठीक है, दिस विल बिकम
बी एज इट इज, ये यू है ऊपर वाला, नीचे वाला बी है. बी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ यू, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस वन. अब ये एज इट इज अंडर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन कर दो, होल डिवाइड बाय बी का स्क्वायर. पता है अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल, दिस विल बी अंडर रूट एक्स. अच्छा इसकी डिफरेंशिएट करेंगे, वन माइनस जीरो आएगा तो इंटू वन. इसकी करोगे वो अंडर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है ना, तो वो होता है वन बाई टू. वन बाई टू आगे आ जाएगा, एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन हो जाएगा, होल डिवाइड बाय एक्स. इसको सॉल्व करें तो क्या अंडर रूट एक्स माइनस एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई होगा हाफ ऑफ एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन करेंगे तो माइनस वन बाई टू. माइनस वन बाई टू को मैं नीचे लिख सकती हूँ ना इस तरह से, अगर मैं इस तरह लिख दूँ, लिख ही सकती हूँ ठीक है. नीचे आ जाएगा एक्स. अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें अगर, तो ये बनेगा अंडर रूट एक्स माइनस एक्स को अगर मैं अंडर मल्टीप्लाई कराऊँ तो बनेगा एक्स बाय टू रूट एक्स. इसको अंदर मल्टीप्लाई, बाहर माइनस है तो उसका ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन बाय और से जे एक्स. तो ये क्या बनेगा, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो सारे का. नीचे आ जाएगा टू रूट एक्स, यहाँ पर वन था, वन को टू रूट एक्स से डिवाइड किया तो आ गया टू रूट एक्स इन टू रूट एक्स माइनस एक्स प्लस वन होल डिवाइड एक्स. एक्स को मत भूल जाना जाते जाते, एक्स साथ ही रहेगा, नीचे डिवाइड होना ठीक है. अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन होल डिवाइड टू रूट एक्स, और ये पूरी की फिगर डिवाइड हो रही है एक्स के साथ, ये एक्स चलता रहे साथ में साथ ठीक है. और जो ऊपर माइनस हो जाएगा ना, तो एक्स प्लस वन डिवाइड टू रूट एक्स बाय एक्स. इसको रेसिप्रोकल कर ले, एक्स प्लस वन बाय टू रूट एक्स इन टू वन बाय एक्स, ये बन जाएगा. तो यही आपका आंसर है. इसको थोड़ा सिमेट्री में लिख लो कि वन बाय टू रूट एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन बाय एक्स, इस तरह लिख लो सिमेट्री में ठीक है. ये मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक्स लगे हैं क्योंकि इसको थोड़ा कन्वर्ट कर दिया था ना, इसको यू बाई वी लगाने के लिए मैंने कन्वर्ट कर दिया था, इसी वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. अगर ऐसे ही सॉल्व करना शुरू कर देते फिर नहीं ये सॉल्व होना था, है ना. चलो आगे देखते हैं. अब ये तो हो गया यू बाई वी रूल, अब कुछ यू वी रूल का भी करके देख लेते हैं. जैसे कि नहीं, पहले ये सिंपल वाले भी हैं, ये देखें तो ये देखो, ये है डिफ्रेंशिएशन आपने करनी है 4x³ माइनस 3x² प्लस 4x² माइनस 8. तो इसके अलग अलग से कर दो, बहुत ईजी है. इसके करोगे तो 3 आगे आ जाएगा, 3 इंटू 4x की पावर 2 माइनस 6x. अच्छा अब इसकी करोगे तो क्या होगा, x की पावर माइनस 2 होगी तो माइनस 2 आगे आएगा, माइनस 2 इंटू 4x की पावर माइनस 3. अब माइनस 8 की करोगे तो 0 आ जाएगा ना, कॉन्स्टेंट है ना, 0. तो ये बना 12x² माइनस 6x माइनस 8x माइनस 3 ठीक है. ये बना, इसको तुम इस तरह लिख लो, 12x² माइनस 6x माइनस 8y x³ ठीक है. बस अलग अलग करके सॉल्व करा ठीक है. सिमिलरली एक और क्वेश्चन है ऐसे का, dy/dx 3/4 ओके ये है. इसमें क्या करोगे, इसमें ये वाली टर्म दिक्कत दे सकती है बस थोड़ी सी, कोई बात नहीं, इजी है ये भी. 4 आगे आएगा, 4 इंटू 5 दैट विल बी 20 पावर हो जाएगी, और यहाँ पर 4 इंटू 3/4 पावर हो जाएगी 3/4 माइनस 1 प्लस 2. अब ये बता ना, 2x था तो उसका 2 आ जाएगा, ये x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, 2x क्या 2 लग जाएगा. तो ये बना 20x³, 4 और 4 कट जाएंगे, प्लस 3x, 4, 3 माइनस 4 माइनस 6x प्लस 2. ये बना, इसको सॉल्व कर लो, 20x³ माइनस 1/4 माइनस 6x प्लस 2 दैट विल बी 20x³
प्लस थ्री, अब ये एक्स को नीचे ले जाओ, ये नेगेटिव में है ना, दैट विल बी योर आंसर। ओके ये भी इजी है ना, क्योंकि बस इसी टर्म में थोड़ी दिक्कत आनी थी क्योंकि वो 3/4 था, आगे आ जाना था, ऊपर से माइनस हो जाना था, और तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा 6x² था ना, हाँ ठीक है। चलो अब एक u into v रूल वाला भी कर लेते हैं, बिकॉज यू वी रूल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। u by v भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन u भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है b of 4x + 2 and 5x² + 4, इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो इसको तुम u मान लो और इसको v मान लो, u और v। ओके okay? तो पहले मुझे पता है u को एज इट इज रहने देना, 4x प्लस 2 एज इट इज पड़ा रहेगा, डिफ्रेंशिएशन होगी इसकी, इसकी क्या होगी 10x + 4, यही होगी। ओह सॉरी, 4 तो हम ख़त्म कर देंगे ना, कांस्टेंट था, ठीक है 10x + 0, बीच में आता है प्लस का साइन, अब ये एज इट इज रहेगा, इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी, इसकी क्या होगी 4 + 0। ठीक है, अच्छा इसमें डिवाइड तो कुछ नहीं होना, चलो आगे करते हैं। ये बना 10x + 5x² + 4 × 4, इसको मल्टीप्लाई करवा दो तो बना 40x² 2x है प्लस 20x प्लस यहाँ बनेगा 20x² + 16। अब जो जो सॉल्व हो रहा है कर दो, जैसे इसको प्लस कर दो, ये बन जाएगा 60x² + 20x + 16, दैट इज योर यू वी रूल। ठीक है, पहले इसको एज इट इज रहने दो, इसकी डिफ्रेंशिएशन करो, प्लस इसको एज इट इज रहने दो, इसकी डिफ्रेंशिएशन करो, यही रूल है जो हमेशा यूज होना है। और मतलब इसके अलावा बहुत ही, अगर क्वेश्चन आएगा तो कम ही आएगा, बट यू वी रूल में जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। एक और एग्जाम्पल है मेरे पास यू वी रूल की, काफ़ी ईजी है, ये है d/dx of 2x³ + 3, साथ में है 2x³ - 3। अब यहाँ पर -3 आ गया पावर में, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, -3 आ गया, पहले इसको तो एज इट इज लिख लो ना, इसको एज इट इज लिख लो, इसकी डिफ्रेंशिएशन करो, क्या आएगी इसकी डिफ्रेंशिएशन, ये आएगी -6x⁻⁴ आ जाएगी, है ना, वो तो 0 ही हो जाएगा, प्लस अब वो एज इट इज रहने दो और साथ में इसकी करो तो आएगा 6x। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एक काम करते हैं पहले उसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करवाना ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ ना तो एक्स एक्स की कटिंग करके मुझे ज़्यादा बेटर आंसर मिल जाएगा इजीली। इसको भी नीचे लिख लेते हैं 2x³ + 1 6x, तो ये बनेगा। अच्छा अब मल्टीप्लाई करवाओ अंदर, -12x⁴ था ये कट जाएगा, ये आ जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई करो -x⁴, ये हो गया। अच्छा अब इधर आ जाओ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे एक x कटेगा, स्क्वायर रह जाएगा, तो दैट विल बी 12x² आ जाएगा ना, 6 × 12x², ओके प्लस 6x एज इट इज। ओके यहाँ पर ना ज़रा देखना, इसके जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो 3 आगे आ जाएगा, 6 मिल जाएगा, पावर में 3 - 1 = 2 होगा ना, तो यहाँ स्क्वायर आएगा यहाँ पर, तो स्क्वायर से अगर कटिंग होगी तो यहाँ एक ही एक्स बचेगा और यहाँ पर 6x² बन जाएगा। तो अब देखो ये दोनों कट गए, तो आंसर मेरे से बच गया 6x² - 18/x⁴, दिस इज योर आंसर। ये था यू वी रूल अगेन। ठीक है, उसके बाद एक और है मेरे पास, सम है ट्रिक, अभी देख ही लेते हैं एक सम। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, सम दिया हुआ मुझे x sin nx, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये याद रखना, ये दो टर्म्स हैं, इनको दो कंसीडर करना, ठीक है दो कंसीडर करना है आपने। ठीक है, अब देखो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx हो रही है ना,
तो अब इस ये दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू कुछ और होता ना फिर यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जानी थी, फिर यूवी लगाना पड़ना था, लेकिन अभी डीएक्स है ना, एक्स एक्स है तो इतनी टेंशन नहीं है, वो हो जाएगा सॉल्व। तो एक्स तुम्हारा एज इट इज रहेगा। साइन की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? कॉस एन एक्स। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, मैंने कहा था जो थीटा है उसकी डिफ्रेंशिएशन भी करोगे। थीटा क्या है? एन एक्स। अब एन एक्स की डिफ्रेंशिएशन करोगे, एन बाहर आ जाएगा एंड दैट विल बी एन, तो आंसर आ जाएगा एक्स एन कॉस एन एक्स, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं साइन थ्री एक्स की करनी हो तो साइन की डिफ्रेंशिएशन एज यू नो कॉस होती है, कॉस तो एज इट इज आ गया, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई कौन होगा? थ्री एक्स की डिफ्रेंशिएशन, थ्री एक्स की डिफ्रेंशिएशन करोगे तो थ्री आएगा, आंसर विल बी थ्री कॉस थ्री एक्स। ये मतलब बहुत सिंपल से है, ट्रिग्नोमेट्री है, बस थीटा की डिफ्रेंशिएशन करनी मत। तो एक लास्ट सम है मेरे पास, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, ईजी लग रहा है। 5x square plus 6, okay. ये तो अब काफ़ी ईजी सम है आपके लिए, बिकॉज आपने इस तरह के काफ़ी सम यूज सॉल्व करके देख लिए हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको एज इट इज लिख दूँ, जैसे जब ब्रैकेट्स आ जाए ना तब तो देख ही लेना कि मतलब अब तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ सिंपल u बाई v लगाना है। अच्छा, इसकी क्या करोगे? 3 इंटू 2 6, पावर क्या बचेगी? स्क्वायर प्लस 0। अच्छा, अब वो एज इट इज लिख दो, अब किसकी डिफ्रेंशिएशन होगी? इसकी। तो इसको u ले लेना, इसको v ले लेना। ठीक, अब इसकी करोगे तो ये बनेगा 10x प्लस 0। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं आगे, कुछ नहीं करना, यहाँ 6x स्क्वायर है मल्टीप्लाई करवा दो, ये बन जाएगा 20x4। ओके, अब ये दोनों ऐड हो सकते हैं ना, ऐड कर देते हैं। तो ये देखो, दिस विल बी योर आंसर। है ना इजी? काफ़ी इजी है, बस ये है कि वो जो हमने पिछली वीडियो में ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज जो सीखे थे ना वही यूज़ करने हैं सारे, कुछ भी नहीं यार। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लगे हो, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने एक एक क्वेश्चन जो यहाँ लिखा है अच्छे से सॉल्व किया है। ठीक है, और इस तरह के आपको इंटरनेट पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, डिफरेंशिएशन में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन अभी हमने स्टार्ट सिर्फ बेसिक से करी है। ओके, तो अगर आपको ये क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ये जो क्वेश्चंस हैं आपको आपकी टेक्स्ट रेफरेंस बुक में मिल जाएंगे, इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चंस समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेस पर जब हम हाई लेवल जे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो वो फिर आसानी से निकलेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट माय वीडियो। अगर आपको कोई भी इसमें इस क्वेश्चंस में दिक्कत आई हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस।